गुजरते वक्त के साथ अपना कहर बरपा रहा है। महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। बिहार में भी यह अभियान सरकार चला रही है, लेकिन शेखपुरा में इस अभियान को पलीता लगता दिख रहा है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि कम समय के अंदर ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा की ये तस्वीर सरकार के उसी दावे की पोल खोल रही है। जिले के टाउन हॉल समेत कई केंद्रों पर इस वक्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। महामारी से खुद को बचाने की उम्मीद लिए उन सभी केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन इस अभियान में सबसे बड़ी परेशानी स्टाफ की कमी सामने आ रही है। टीका लगाने के लिए ट्रेड नर्सों की कमी की वजह से केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। स्टाफ कम होने के कारण कई लोगों को समय पर टीका नहीं लग पा रहा है। एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीका केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बेशक ये तस्वीर शेखपुरा के टाउन हॉल की हो, लेकिन हालात कमोवेश सभी सेंटर पर एक जैसे ही हैं। टीका केंद्रों पर लोगों की भीड़ और स्टाफ की कमी की जानकारी स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन के अधिकारियों को भी है, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी धीमी रफ्तार से टीकाकरण चलता रहा तो फिर इसमें न सिर्फ लंबा वक्त लगेगा बल्कि लोगों की जान पर खतरा भी लगातार बना रहेगा। अभी 40 प्लस में 36 लोग और 45 प्लस में कितना पड़ा है? 10। क्या वैक्सीनेशन का कुछ साइड इफेक्ट वगैरह कुछ? यहाँ सारी व्यवस्थाएं पूरी है। स्टाफ का कमी है, यहाँ पर का काम रहता है, दो लोग ही संभाल रहे हैं। स्टाफ की कमी है, वैसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या अभी इससे लग रहा है कि पूरा समाज में इसका सक्रिय प्रयास आप लोगों का जो है जा रहा है विफल होगा? बिल्कुल लग रहा है।